जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आरआरबी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। और टेक्नीशियन के का ये पैनल इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, काफ़ी सारे लोगों को विश्वास था, काफ़ी सारे लोगों को अविश्वास भी होता है। तो चूँकि हमने बहुत कन्फर्मेशन के साथ नहीं कहा था कि वो लेटर अप्रूवल का है, लेकिन ये मैंने ज़्यादा सहमति से या ज़्यादा कह सकते हैं कि जोर देकर के मैंने कहा था कि वो एडजस्टमेंट का लेटर निकला है, क्योंकि उसी तरह की कुछ बातें जो ईडी सर से मिले थे, राजीव गांधी सर से, उन्होंने उन सारे अभ्यर्थियों को यही कहा था कि एडजस्टमेंट के लिए हमने लेटर भेजा है। क्योंकि लेटर इस बार किसी को हाथ लगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण किसी को नहीं था, थोड़ी असमंजस की स्थिति सारे लोगों में थी। लेकिन फाइनली हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था, उस लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि SCR ने कहा है कि उसने रांची को डिमांड कर दिया है, और डिमांड तभी जाता है जब अप्रूवल हुआ, यानी कि हो सकता है कि कुछ जोन को अप्रूवल मिला हो, या हो सकता है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि सारे जोन को अप्रूवल मिल गया हो, या हो सकता है कि कुछ जोन को ही अप्रूवल मिला हो सकता है सारी सीटों पर अप्रूवल मिल गया हो, या यह भी हो सकता है कि कुछ ही सीटों के लिए अप्रूवल मिला हो। तो खैर, जो भी हो, फिलहाल इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से आप देख सकते हैं पैनल आ गया है, और ये एडिशनल पैनल का 8वां पैनल है। एडिशनल पैनल जारी करने की कड़ी में ये कैमरा पैनल है, तो 8वां पैनल है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कुल कितने लोगों को इम्पैनल किया गया है अभी तक। तो यहाँ पे देखिएगा कि 25 नंबर कैटेगरी में कैरेज वैगन में 2 लोगों को, फिर आगे देखिएगा 34 नंबर कैटेगरी में डीजल मैकेनिक में 9 लोगों को, और फिर 34 नंबर में ही NR और NCR दोनों है, तो NR का ये दोनों था, ये NCR का है। इसमें डीजल मैकेनिक के कितने लोगों को इम्पैनल किया गया है, तो डीजल मैकेनिक के फिर से 10 लोगों को। अगला देखिएगा तो 59 नंबर कैटेगरी फिटर का है NCR में, यहाँ पे 7 लोगों को इम्पैनल 21 लोगों को इम्पैनल किया गया। फिर NR में टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर इलेक्ट्रिकल 59 नंबर में 1 व्यक्ति को, 61 नंबर कैटेगरी फिटर इंजीनियरिंग 5 व्यक्ति को, फिर 66 नंबर कैटेगरी फिटर वर्कशॉप, यहाँ पे 18 लोगों को इम्पैनल किया, 18 से भी ज़्यादा, कितने तो सबसे ज़्यादा इसी में 38 लोगों को इम्पैनल किया गया है। फिर 121 नंबर कैटेगरी में 1 व्यक्ति को, और पोस्ट कोड 134 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, ये PCM वालों का है, इसमें 11 लोगों को, 136 टेलीकम्युनिकेशन इसमें 1 व्यक्ति को, यह भी PCM का है, और फिर 137 में TMC इसमें 2 लोगों को इम्पैनल किया गया है। इस प्रकार से कुल देखेंगे तो ये पैनल अच्छा खासा बड़ा पैनल है, और अदर बोर्ड का भी पैनल, हमने कहा था कि रांची बोर्ड की तरफ से रिप्लाई मिला है कि प्रयास है कि इसी सप्ताह यानी शुक्रवार तक, हार्डली चूंकि 301 लोगों का पैनल रांची का आना है, तो वहाँ से हो सकता है कि सप्ताह प्रयास है कि जारी करें, पूरे जोर शोर से इस पर काम भी चल रहा है। और अगर किसी कारणवश चूंकि बड़ा पैनल है, अगर देरी होगी, तो फिर दुर्गा पूजा के बाद रांची का पैनल आपको देखने को, 301 व्यक्ति का पैनल देखने को मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं कितने लोगों को इम्पैनल किया गया है, तो टोटल यदि हम लोग जोड़ें तो यहाँ पे हो जाता है 2, 9, 11, 11 और 10, 21 के बाद फिर यहाँ पे 21 और है, 42, 41, 5, 48 और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग 38 है, यानी कि 56, 86, 87 और 87, 11, 98, 99, 101 कुल मिलाकर के आप इस PDF में देख सकते हैं 101 व्यक्ति को इम्पैनल किया गया है। और पैनल जो इलाहाबाद की तरफ से जारी हुआ है वह JEE DMS CMA यानी 03/2018 का है, 102 लोगों का, 101 लोगों का पैनल टेक्नीशियन का इलाहाबाद से आया है, और ये पैनल जो है वह आपका JEE और आपका JEE DMS और CMA वगैरह का है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कितने, 18, 2, 20, 21, 22, 25, 24, 23, 32 लोगों को यहाँ पे इम्पैनल किया गया, फिर कुछ और 36 लोगों को इम्पैनल यहाँ पे किया गया, 103 टेक्नीशियन और 36 JEE का पैनल इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से आया है। संभवतः अब यहाँ कितने लोग बचे हैं एग्जैक्ट मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन टेक्नीशियन यहाँ पे अभी भी 250 के आसपास बच रहे हैं, संभवतः 200-250 के बीच, और JEE का आंकड़ा मुझे बहुत स्पष्ट यहाँ का पता नहीं है। तो खैर, जो भी
अज्ञानी बोर्डों के भी पैनल आपको देखने को जल्द ही मिलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।